अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर भड़क गई। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह के उकसाऊ बयानों की वजह से ही नेताओं पर हमले होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, उसी तरह की उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। बीजेपी के आईटी सेल के हेड ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से करते हैं और कहते हैं कि वो घर से नहीं निकल पाएंगे, हिंदुस्तान की युवा डंडा मारेंगे। इस तरह के बयान ही राजनीति में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। दरअसल अमित मालवीय ने एक्स पर कहा है, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का भी यही थीम है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये उसी तरह से जैसे कि संविधान को बचाना है। विरोधियों की छवि धूमिल करना और उन्हें तानाशाह बताना भी कोई संयोग नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुने गए नेताओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी तीसरी बार फेल हुए। उन्होंने भारत के चुनाव में विदेशी दखल करवाने की कोशिश की। उन्होंने राहुल की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, क्यों दुनिया के तानाशाहों के नाम एम से ही है, जैसे कि मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक मुबारक, मुशर्रफ, माई कॉम्बेरो। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो वाराणसी के रोड शो में पीएम मोदी के काफिले पर चप्पल मारने की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस घटना की आलोचना नहीं की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।